बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम मौजूद हैं मीडिया टाउन इस्लामाबाद में, जहां पे हम विज़िट करेंगे 12 मरला हाउस का, जो कि इस टाइम मीडिया टाउन इस्लामाबाद की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियो काइंडली एंड तक देखिएगा। घर का हम प्रॉपर विज़िट करेंगे और ड्यूरिंग द वीडियो आपके साथ घर की डिमांड, आस्किंग प्राइस, फ्लोर प्लान शेयर करूँगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च किए बगैर। तो विज़िट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए व्यूअर्स, काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। और ये जो घर है ऑलमोस्ट 12 मरला से बड़ा है और टोटल 3000 स्क्वायर फुट पर यह घर कंस्ट्रक्ट किया गया है। और एलिवेशन को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन किया गया है एलिवेशन में। और घर के राइट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, लेफ्ट साइड पे प्लॉट है। तो मूव करते हैं घर के रैंप पे। व्यूअर्स, आपको पहले मैं स्ट्रीट ओवरव्यू करवाता हूँ। ये घर के राइट साइड की लोकेलिटी है और फर्दर ये घर के लेफ्ट साइड की लोकेलिटी है। सेकेंड टू कॉर्नर हाउस है, तो यहाँ पे हमारे पास रैंप है। रैंप पे कंप्लीट टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। फर्दर राइट साइड पे घर का हमारे पास ग्रीन एरिया, क्यारी, लॉन, जो भी आप कह सकते हैं अवेलेबल है, डेवलप्ड है, आप इसकी मज़ीद अच्छी प्लांटेशन कर सकते हैं। एंड प्लस पॉइंट इज़ व्यूअर्स, हमारे पास इस घर में गैस भी इंस्टॉल है और बिजली का मीटर तो हर घर में हमारे पास इंस्टॉल होता है। तो ये इसका आप मेन गेट देख लीजिए, राइट साइड पर स्लाइडेबल है और लेफ़्ट साइड के जो पैच है वो ओपनेबल है। तो मूव करते हैं घर के अंदर, घर के पोर्च में। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास घर के पोर्च का एरिया है और पोर्च के फ्लोरिंग पे हमारे पास मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास साइड स्ट्रीट दी गई है और फर्दर बैक साइड पे घर की लॉन्ड्री का एरिया है। तो पोर्च का एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी हमारे पास स्पेशियस है। यहाँ पे आपकी 3 से 4 गाड़ियाँ इजीली एट अ टाइम पार्क हो सकती हैं। तो फर्दर ये आप इसका सीलिंग चेक कर लें, एलईडी बल्ब्स और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। और व्यूअर्स, एक और बात आपको बताता चलूँ, ये घर जो है ऑनर बिल्ट हाउस है और इसमें ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स जो हैं वो ऑनर खुद ही रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फॉर सम रीज़न इसको सेल के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी का पंप भी इंस्टॉल है। और ये जो आपको विंडो नज़र, सॉरी, ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया के एक्सेस के लिए है। तो अब आप एक और एंगल से पोर्च को देख लें, ताकि आपको इसकी स्पेस का एक अच्छा एरिया हो जाए। और फर्दर हमारे पास घर में इंटर होने के लिए एक ही हाइटेड डबल डोर है और ग्राउंड फ्लोर का मेन स्विच बोर्ड बिल्कुल सामने हमारे पास पोर्च में ही अवेलेबल है। तो चलते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास डबल डोर है, आप देख सकते हैं हमारे पास जाली वाला दरवाज़ा भी है, नेट डोर। और अब हम आ चुके हैं घर के अंदर, घर के मेन लाउंज में। तो फ्लोर प्लान सबसे पहले समझाता हूँ। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डोर है वो फर्स्ट फ्लोर की सेपरेट एक्सेस के लिए है। यहाँ पे मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है और जो डोर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, हमारे पास पाउडर रूम है। और फर्दर बिल्कुल सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वो हमारे पास डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम का है। और राइट साइड पे भी हमारे पास एक स्मॉल बेडरूम है और फर्दर सामने बेडरूम है। राइट साइड पे बिल्कुल सामने हमारे पास क्लोज किचन है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इसका एक और बेडरूम अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। घर का हम प्रॉपर विज़िट करेंगे और अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लोर प्लान, इंटीरियर एक्सटीरियर पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें। अगेन आपसे शेयर कर दूं व्यूअर्स, आज की न्यू वीडियो में हम मौजूद हैं मीडिया टाउन इस्लामाबाद में और जहाँ पे विज़िट कर रहे हैं 12 मरला डबल यूनिट हाउस का, जो कि इस टाइम मीडिया टाउन की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर की कंडीशन से आपको आइडिया हो जाएगा व्यूअर्स के घर जो है मतलब इतना रफ़ यूज़ नहीं किया गया, टोटल ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स घर यूज़ किया गया है और इस टाइम मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है। मूव करते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे हमारे पास इसका डोर है काफ़ी अच्छी हाइट का और थ्रू आउट द ग्राउंड फ्लोर हमारे पास फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की गई है। तो ये बेडरूम नंबर फर्स्ट है, वॉल्स पे वाइट पेंट है, वेंटिलेशन विंडो, फर्दर इसका सीलिंग बिल्कुल सिंपल रखा गया है।
तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वार्डरोब्स हैं, फोर डोर वार्डरोब्स हैं, और राइट टर्न करते हैं तो हमारे पास इसका वॉशरूम अवेलेबल है। वॉशरूम की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं डेल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। फर्दर ऊपर हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है और एग्जॉस्ट फैन। यहाँ पे हमारे पास वॉल हैंगिंग वैनिटी है। तो ग्राउंड फ्लोर पे व्यूअर्स हमारे पास दो मास्टर साइज बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम, एक क्लोज किचन है और एक नॉर्मल साइज हमारे पास बेडरूम है। बेडरूम या उसको आप स्टोर रूम कंसीडर कर लें। और हमारे पास एक डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम काफ़ी स्पेशियस अवेलेबल है। तो घर के अंदर से देखें तो लेफ़्ट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। घर के ऑपोजिट साइड पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है और घर का जो राइट साइड है वो फ़िलहाल वैकेंट है, वहाँ पे फ़िलहाल प्लॉट है। तो ये बेडरूम नंबर सेकंड है। थ्रू आउट द ग्राउंड फ्लोर आपको मैंने बताया है कि हमारे पास यहाँ पे मार्बल किया इस्तेमाल किया गया है। और फर्दर ये आप वार्डरोब्स देख लें, काफ़ी हाइटेड हैं हमारे पास यहाँ पे, और वेंटिलेशन विंडो भी है। और यहाँ पे हमारे पास इसका वॉशरूम, इस वॉशरूम में इंजन सीट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन, शॉवर एरिया, फर्दर यहाँ पे वैनिटी। तो ये सब व्यूअर्स बेडरूम नंबर सेकंड। वॉल्स आप देख सकते हैं वाइट कलर का पेंट है और पूरे घर में सीलिंग जो है हमारे पास सीलिंग डिज़ाइन वो बिल्कुल सिंपल सा और डिसेंट सा रखा गया है। तो अब आप इस बेडरूम के एंगल से सारी स्पेस का एक रिव्यू कर लें ताकि आपको सारी स्पेस का एक अच्छा आइडिया हो जाए। तो अब लेफ्ट टर्न करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वुड प्लस ग्लास का डोर है। देन हमारे पास डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरिंग पे डिफरेंट कलर में मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। जो बिल्कुल सामने डोर है, मैंने आपको कार पोर्च दिखाया था, वो हमारे पास ड्राइंग रूम की सेपरेट एक्सेस के लिए है। और फर्दर हमारे पास ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया के दो डोर्स अवेलेबल हैं। वेंटिलेशन विंडो भी है और विंडो पे सिक्योरिटी ग्रिल्स भी इंस्टॉल की गई हैं। व्यूअर्स, इस घर में हमारे पास गैस, बिजली और पानी सब कुछ अवेलेबल है। गैस का मीटर भी घर में इंस्टॉल्ड है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो ऑब्वियसली हमारे पास हर घर में मौजूद होता है। तो 6 से 7 महीने ऑलमोस्ट ये घर जो है वो यूज़ किया गया है फ्रॉम ऑनर, और ऑनर बिल्ट हाउस ही है ये। तो फॉर सम रीज़न वो इस टाइम इस घर को सेल आउट करना चाह रहे हैं। ये था हमारे पास सीलिंग। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा, इसको आप बेडरूम कह सकते हैं या स्टडी रूम बना सकते हैं। इसका साइज आप देख लें, वेंटिलेशन विंडो भी है और ऊपर इसका सीलिंग। यहाँ पे भी फ्लोरिंग पे मार्बल है बट फिलहाल कारपेट डाला गया है। तो ग्राउंड फ्लोर का हमने कंप्लीट विजिट कर लिया व्यूअर्स। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास दो मास्टर साइज बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम, एक टीवी लाउंज है, एक डाइनिंग एरिया है, ड्राइंग रूम प्लस हमारे पास क्लोज किचन अवेलेबल है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास पाउडर रूम है, यहाँ पे भी टाइलिंग की गई है कंप्लीट। तो अब आपको इधर के एंगल से एक सारा रिव्यू करवाता हूँ। तो अब मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ से। कार पोर्च से भी हमारे पास सेपरेट एक्सेस है फर्स्ट फ्लोर की। ये सेकंड डोर आप देख सकते हैं और घर के मेन लाउंज से भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। फर्दर ये स्टेप्स देख लीजिए आप, और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। और फर्दर में आगे आपको घर की आस्किंग प्राइस डिमांड आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डोर है एक, देन हमारे पास लेफ्ट पे फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर को आप देख सकते हैं सेम टू सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल सामने डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम, राइट साइड पे स्मॉल रूम, और यहाँ पे डोर से हमारे पास टेरेस की एक्सेस है। और लेफ्ट टर्न करते हैं, बेडरूम नंबर फर्स्ट, किचन नंबर सेकंड एंड बेडरूम नंबर सेकंड। तो ये अब आप एक और एंगल से पूरे फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कर लें। तो मूव करते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट में, और यहाँ पे भी फ्लोरिंग पे हमारे पास सेम पैटर्न की मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बेडरूम नंबर फर्स्ट है व्यूअर्स।
हाइट चेक कर ले, सीलिंग काफ़ी अच्छी है और फ्लोरिंग पे मार्बल, वॉल्स पे सिंपल वाइट पेंट और बटन्स का डिज़ाइन पूरे घर में हमारे पास ऐसा है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इस घर के डिमांड की, घर की आस्किंग प्राइस की। तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है, घर की जो डिमांड है फ्रॉम ऑनर साइड, वो है 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लाख घर की आस्किंग प्राइस है, घर की डिमांड है जो कि ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। तो आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है, वो इसको ख़रीदना चाहता है या इसको विज़िट करना चाहता है, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मेंशन है। आप मुझसे किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे या सिम पे फ़ोन कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर इसके ऑनर के साथ आपकी मीटिंग भी करवा दी जाएगी। तो अगेन शेयर कर दूँ व्यूअर्स, आज की न्यू वीडियो में हम विज़िट कर रहे हैं 12 मरला डबल यूनिट हाउस का, जो कि इस टाइम मीडिया टाउन इस्लामाबाद की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर का हम प्रॉपर विज़िट करेंगे और डिमांड आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। फर्दर गैस, बिजली और पानी सब कुछ हमारे पास इस ब्लॉक में भी और इस घर में भी अवेलेबल है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप नंबर मेंशन है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं मास्टर साइज़ विद अटैच वॉशरूम, एक ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया है और क्लोज किचन है, और एक हमारे पास स्मॉल रूम अवेलेबल है, उसको आप स्टडी रूम या प्रेयर रूम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेडरूम नंबर 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास अटैच वॉशरूम है और जो वैनिटी इस्तेमाल की गई हैं इस घर में, वो वॉल हैंगिंग है। सिंपल सा काम किया गया है व्यूअर्स इस घर में और घर जो है वो फ़िलहाल बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ऑनर बिल्ड हाउस है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो के स्टार्ट में। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड करते हैं ग्राउंड पोर्शन की तरह, यहाँ पे हमारे पास स्लाइडिंग डोर है वुड प्लस ग्लास का, और यहाँ पे हमारे पास फर्दर डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम की स्पेस अवेलेबल है, और यहाँ पे भी हमारे पास फ्लोरिंग पे डिफरेंट कलर के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 फानूस हैं और सिंगल फैन अवेलेबल है। वॉल्स पे हमारे पास वाइट पेंट है सिंपल, और स्कॉटिंग जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर की गई है। तो फर्स्ट फ्लोर का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट विज़िट हो चुका है व्यूअर्स। ये अगेन अब हर रूम के एंगल से, किचन के, टीवी लाउंज के एंगल से दिखाने का आपको मकसद ये होता है ताकि सारी स्पेस का आपको अच्छा एरिया हो जाए, कोई भी स्पेस आपसे रह न जाए। तो ये हमारे पास रूम है स्मॉल विदाउट वॉशरूम, स्टडी रूम, प्रेयर रूम या आप इसको एक्सरसाइज रूम जो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डबल डोर है, नेट वाला डोर है और साथ हमारे पास दूसरा डोर है, और देन हमारे पास फर्दर टेरेस के एक्सेस है। फ्लोरिंग पे मार्बल है, यहाँ पे टैप भी हैं, और मैं आपको साइड एलिवेशन का व्यू करवाता हूँ। तो अब मूव करते हैं व्यूअर्स छत की तरफ। फर्स्ट और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का हमने विज़िट कर लिया है, तो मूव करते हैं छत की तरफ। छत पे हमारे पास एक सर्वेंट रूम है विद वॉशरूम, और एक हमारे पास सेपरेट स्टोर रूम भी अवेलेबल है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेस है छत की, यहाँ पे रूम है, इसमें कुछ स्पेस है। फर्दर छत का जो डोर है हमारे पास यहाँ पे है। छत की फ्लोरिंग पे चिप्स की गई है, यहाँ पे टेबल और चेयर भी है, और यहाँ पे इसकी कंक्रीट की टंकी। घर के बैक साइड पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, और फर्दर हमारे पास यहाँ पे भी पर स्पेस अवेलेबल है। तो ये अब आप लोकेलिटी देख लीजिए व्यूअर्स,
घर के एक फ्रेंड की। तो व्यूअर्स, आज की न्यू वीडियो में हमने विज़िट किया है मोर देन 12 मरला हाउस का, जो कि इस टाइम मीडिया टाउन इस्लामाबाद की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर जो है स्लाइटली यूज है और 350 घर की आस्किंग प्राइस है। टोटल घर में 4 बेडरूम्स हैं, मास्टर साइज विद अटैच वॉशरूम, 2 स्मॉल साइज बेडरूम्स हैं और 2 टीवी लाउंज हैं, 2 किचन हैं, 2 डाइनिंग एरिया हैं और 2 ड्राइंग रूम्स अवेलेबल हैं। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपने स्पेसिफिकली किसी सोसाइटी की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस सोसाइटी के घर की वीडियोस बनाएं, तो इंशाल्लाह वर्किंग करके उधर की वीडियो भी बनाई जाएगी। और अपने फीडबैक के लिए कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को आपने लाजमी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल डबल ए रियल एस्टेट को आपने लाजमी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।